एक लॉन्ग टर्म एब्सेंस और ढेर सारे बहानों के बाद एक टाइम आता है इंसान की लाइफ में जब उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होती है। मैं यूट्यूब के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ और टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में वो टाइम आ चुका है। और जब ऐसा कोई टाइम आता है ना तो वीडियोज़ बनाने से पहले एक वीडियो आती है जिसका नाम होता है अपडेट व्लॉग, और शायद ये मेरी दूसरी अपडेट व्लॉग है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 23 और जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी वो आई थी 10 तारीख को, और उसके पहले जो वीडियो आई थी वो भी बहुत टाइम मतलब उन दोनों के बीच में एक लाइक मिनिमम 10-15 दिन का गैप था, उससे ज़्यादा ही था। मैं तो थोड़ी इज्जत बचाने के लिए 10-15 दिन बोल रहा हूँ। उसके पहले जो आई थी उसमें प्रेसाइसली 23 दिन का गैप था, 23 से भी ज़्यादा ही दिन का गैप था। तो पॉइंट ये है कि इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पे लोगों का कंटेंट कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, वहाँ मेरा कंटेंट प्रोडक्शन हैज़ डिक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। तो ये थोड़ा बेकार मामला है यहाँ पे। अभी एक्चुअली मेरे पास करने के लिए और ढेर सारी बातें हैं, लेकिन उसके पहले मैं नहाना चाह रहा हूँ, नहाना चाह नहीं रहा हूँ मतलब मैं मजबूर हूँ कि मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि 1 बज गए हैं और यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो क्योंकि ये एक अपडेट ब्लॉग है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसमें अपडेट दूँ, देनी चाहिए, नहीं तो क्लिक बेट हो जाएगा। तो अपडेट नंबर 1 इस कि मैं अब शायद कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम से ऑफ हो रहा हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फाइंड ट्विटर अ मच बेटर प्लेस। मेरे बहुत सारे पर्सनल रीजंस हैं उसकी वजह से, सम बीइंग कि मेरा एक एक्स दोस्त है, उसका वाई पॉलिटिकल ओपिनियन है और वो अपनी स्टोरी डाल रहा है तो मुझे भी पता चल रहा है। मेरा एक जेड दोस्त है, उसकी एक एक्स दोस्त का बर्थडे है और वो उसके साथ कहीं जा रहा है, तो ये सारी कुछ चीज़ें जो मुझे लेटली बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लगने लगी और मैं कंज्यूम बहुत हैवी लेवल पे कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी हैवी लेवल पे अडिक्ट हो चुका हूँ। तो इंस्टाग्राम से थोड़े दिनों के लिए बाय। और ट्विटर पर्सनली मैंने लोगों को देखा है, उसमें आप इरफान जुनेजो को भी जोड़ सकते हैं, मेरी खुद की बड़ी बहन है, जो बोलते हैं कि ट्विटर इज़ अ वेरी नेगेटिव स्पेस। आई पर्सनली डोंट फाइंड इट नेगेटिव, मतलब मेरा मानना है कि आप जैसे लोगों को फॉलो करते हैं वैसे ही आपकी जो पूरी टाइमलाइन है वैसे ही होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा ट्विटर का एक फ़ायदा और मुझे पर्सनली लगा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे जस्ट फॉलो किया ट्विटर पे और मैंने उसे फॉलो बैक नहीं किया, मुझे दिख गया था कि उसने फॉलो किया, फिर उसने बोला कि तुमने मुझे फॉलो बैक क्यों नहीं किया, मतलब पर्सनली कॉल करके बोला कि फॉलो बैक क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला यार ट्विटर अभी मेरे को ज़्यादा चलाना नहीं आता, मैं नोटिफिकेशन आया होगा देख नहीं पाया होगा, अपन कभी मिलेंगे तो तुम करवा लेना मेरी आईडी से फॉलो बैक, और अभी लॉकडाउन है कब मिलेंगे तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, तो मेरा वो सीन बड़ा सॉर्टेड है, मतलब अननेसेसरी फॉलोज नहीं है यहाँ पे, और वो बेस्ट। अपडेट नंबर 2 इज़ कि ये मेरी लाइफ का पहला गिटार और ये मेरे पापा का भी पहला गिटार था, ये टूट चुका है, मतलब दिख रहा है परफेक्टली फाइन लेकिन अब ये बजाया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा लेवल का क्रैक आ गया, उसको मैंने A few moments later. तो उसको फेविकॉल से मैंने चिपका दिया और अब वो सिर्फ एक शोपीस बन के रह गया, तो उसके लिए थोड़ा सा सैड माहौल हो जाना चाहिए। और अपडेट नंबर थ्री मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मतलब नेक्स्ट अपडेट इस कि यहाँ पर एक पीसी रखा रहता था वो अभी नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि आई एम बिल्डिंग अ न्यू पीसी, और उसके आगे अब एक और थोड़ा सा सैड पार्ट ये है कि भोपाल में नेक्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है जो कि कल से ही लगने वाला, कल रात 8 बजे से, और इस पीसी के आधे पार्ट्स अभी आए नहीं, ग्राफिक कार्ड नहीं आया और मेन जो कैबिनेट होता है वो भी नहीं आया, इनफैक्ट जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल भी नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा काफ़ी मतलब दुख का रीज़न है मेरे लिए एक्चुअली। और एक अपडेट है शायद नहीं है, तो ये वीडियो इतना ही, मैं चाह रहा था 1 टेक में हो जाए लेकिन मेरी बहन ने मुझे बुला लिया तो 1 टेक में हो नहीं पाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, बाय। तो ये वीडियो ऑफिशियली मैं एंड कर चुका था, आज 24 है, मतलब कल शूट हुआ था और आज मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ ये ऐड करने के लिए क्योंकि
कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त मतलब बड़े भाई जैसे ही हैं, मैं साथ में हम लोग गिटार क्लास जाते थे और बहुत तगड़ी बॉन्डिंग है, आदर्श भैया, आदर्श पांडे, आप उनका इंस्टाग्राम में नीचे लिंक कर दूंगा। उनका कुछ काम है, हम दोनों कुछ कर रहे थे, तो उसके लिए वो अपने कुछ आर्ट पीसेस स्केचेस मेरे घर पे छोड़ के गए थे, जो कि मैंने आज तक नहीं खोले थे। आई थिंक इस बात को 4-5 दिन हो गए और मैंने अभी तक खोले नहीं थे, आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं क्यों नहीं खोले थे। और अभी मैं जस्ट खोला और जैसे ही खोला मैंने कहा यार ये तो मतलब व्लॉग में आना चाहिए, इससे तो 4 चांद 6-7-8 चांद लग जाए। मैं दिखाता हूँ, लुक एट इट, आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट स्क्रीन फ्लिप करके दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, तो ये स्केच सबसे नीचे था बेसिकली, अपन मतलब नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं और आई थिंक ये वाले को मैंने थोड़ा सा डैमेज भी कर ही दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में समझ में आया ये पूरा कैनवास, आई थिंक कैनवास ही है, और ये डबल लेयर टाइप से, इफ यू कैन सी, ये एक आँख है और ये कितना रियल रिफ्लेक्शन लग रहा है, बट ये है रियल नहीं। और ये आदर्श भैया का लोगो या सिग्नेचर जो भी बोलते हो, मुझे नहीं पता। एंड देर आर सो मैनी ऑफ देम, ये एक बिल्ली है और अब थोड़े छोटे साइज के हैं, ये थोड़ा सा आई डोंट नो इफ यू नो अ लॉट ऑफ बैंड्स, बट मैं और आदर्श भैया दोनों ही गन्स एंड रोजेस के बहुत बड़े फैन हैं, तो स्लैश का थोड़ा सा ये वाला इन्फ्लुएंस है। आई थिंक स्लैश का बर्थडे भी है आज, आई डोंट नो स्लैश को कौन कौन जानता है। ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश में है और यहाँ पे चाइनीज या जापनीज में कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा आईएसओ कम कर देता हूँ, ज़्यादा ही लो हो रहा है। और दिस इज द लास्ट पीस, ये दोनों ग्लॉसी ग्लॉसी हैं और अब मैं वाओ इनमें से एक आध दो चुरा लूंगा। Do you need me?